नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किया था 850 के लेवल के आसपास, उसके बाद हमें अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दिया या फिर अगर आपने बाय भी किया है तो अच्छी बात है, ऊपर बाय किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर बात करें पहले सपोर्ट लेवल के बारे में तो मेरा मानना है अगर आप यहाँ पर 850 से 900 का जो जोन है, पूरा जोन अच्छा जोन है जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स यहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है वो मेरे हिसाब से 800 के आसपास दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे इस लेवल के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी, तो इस लेवल के आसपास आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 800 से करके 850 के आसपास नजर आता है तो वहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं वो भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है ITC में भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट बनकर आता है 160 से लेकर 170 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब देख पाएंगे 170 के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद वापस हमें तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो इस लेवल के आसपास 160 से 170 पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर दूसरे सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं वो होगा यहाँ पर 150 से करके 160 के आसपास का सपोर्ट, यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क एसोसिएट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में हमने एक्चुअली पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है तो यहां पर मैं आपको रिस्क बताना चाहूंगा। ITC आपको पता है कि सिगरेट्स में कामकाज करती है मेजरली, लेकिन यहां पर ITC पूरी कोशिश कर रही है कि FMCG बिजनेस से ज्यादा यहां पर प्रॉफिट वो चर्न कर पाए। लेकिन फिलहाल आपको सिचुएशन पता है, यहां पर जो कोई भी नया बिजनेस हमें शुरू करना होता है तब वहां पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत होता है, मार्केटिंग का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे होते हैं। तो शुरुआत के कुछ सालों में खर्चे ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम दिखाई देता है, इसी वजह से यहां पर रेवेन्यू तो दिखाई दे रही है FMCG बिजनेस से लेकिन ज्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो वेट कर सकते हैं, यहां पर पेशेंस रख सकते हैं, वो यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी बात, यहां पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना हुआ है, IPO यहां पर लाए जा रहे हैं, OFS लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यहां पर नए नए IPOs OFS लाए जा रहे हैं, BDL HL में देखने को मिला था, तो यहां पर ITC में भी उनका काफी ज्यादा स्टेक है। तो ऐसा प्रेशर है कि यहां पर ITC में भी एक ऑफर फॉर सेल आ सकता है जिसके कारण फिर से और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और दूसरा मेन प्रेशर तो सिगरेट वाला प्रेशर बना ही हुआ है, सिगरेट पर कभी भी बैन हो सकता है। यहां पर मनी कंट्रोल पे तो यहां पर एक नोटिफिकेशन भी आया था मुझे कि यहां पर 10-15 सालों में सिगरेट की सेल्स तुरंत ही बंद हो जाएगी, 10-15 सालों में सिगरेट यहां पर लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी अगर न्यूज आती है तो ऑफकोर्स ITC के लिए बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये काफी चेंज हो रहा है, एग्री बिजनेस में जा रहा है, IT बिजनेस में भी है, पेपर्स में भी है, होटल्स में भी है और FMCG में काफी ज्यादा कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है FMCG से ही रिलेटेड है, नेस्ले इंडिया। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रेकमेंड किया था कि जो 16,000 का जोन है काफ़ी अच्छा जोन है जहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। FMCG स्टॉक्स में वैसे भी ज़्यादा करेक्शन नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, फिलहाल ये 15,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर 14,000 का वेट कर सकते हैं, 14,000 एंड बिलो पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है FMCG का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी वीकनेस हमें बनती हुई नजर आ रही है, 200 डेज के EMA के आसपास एक कल ही जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बियरिश कैंडल निर्माण किया। आप देख पाएंगे ओपनिंग हुई उसके बाद काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली, 20 डेज के मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज एक ही साथ आ चुके थे और यहाँ पर उसे एज ए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे जो रेड लाइन है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज और दूसरी हमें जो यहां पर लाइन दिखाई दे रही है, यहां पर पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, वो यहां पर लाइन है 2109 का लेवल, वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहां पर उसी को एज ए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहां पर एक बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बुरा मुझे दिखाई नहीं देता है, 2100 के नीचे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सपोर्ट है जो वेट करना चाहते हैं वो यहां पर 2000 एंड बिलो के लेवल्स पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, जो कि ऑफकोर्स नाम से ही पता चलता है कामकाज करता है फुटवेयर बनाने में। तो यहाँ पर मैंने आपको रेकमेंड भी किया था और उसी लेवल के आसपास ये तुरंत हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा भागा नहीं है, 640 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो फिर से अगर कोई झटका दिखाई देता है तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट बनकर आता है वो 600 से 620 का सपोर्ट हमें यहाँ पर बनकर आता है, 600 से 625 का सपोर्ट बनकर आता है। तो यहाँ पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर 590 एंड बिलो के लेवल्स, यहाँ पर 580 का सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टॉक 590 के बिलो दिखाई देता है तो वहां पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सो फुटवेयर से ही यहाँ पर मिलता जुलता है बाटा इंडिया, जो कि ऑफकोर्स कामकाज करता है फुटवेयर इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर भी ज़्यादा तेज़ी हमें ऑलरेडी नहीं देखने को मिल रही है, आप देख पाएंगे तेज़ी हुई थी 1000 के आसपास लेवल पर सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, उसके बाद 1450 के आसपास स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद वीकनेस देखने को मिली, 1200 के लेवल्स वापस टेस्ट करता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। इस लेवल के आसपास भी मैंने आपको बाइंग रेकमेंड किया था और फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो पहला सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 1240 से करके 1270 के आसपास का लेवल, तो ये पहला सपोर्ट है जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सपोर्ट का जो वेट करना चाहते हैं वो लेवल बनकर आता है 1220 एंड बिलो के लेवल्स, यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब देख पाएंगे इसी लेवल के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई थी, तो 1220 एंड बिलो के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL, आप देख पाएंगे MGL ने स्टॉक मार्केट क्रैश के समय सपोर्ट लिया था 700 के आसपास के लेवल पर और फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है हमें यहाँ पर दिखाई देता है 821 के आसपास, तो 15% ऊपर दिखाई देता है। स्टॉक अच्छा है, इसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, तेज़ी भी देखने को मिली थी लेकिन तेज़ी वापस हमें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है, वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो जो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, अगर करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो मुझे कोई यहां पर बुराई दिखाई नहीं देती है। 800 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 820 के आसपास, तो 800 से 820 830 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो यहां पर थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, जो कि यहां पर दूसरे सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं, तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है यहां पर 770 एंड बिलो के लेवल्स पर, तो इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 770 एंड बिलो के लेवल्स पर दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी MGL की तरह गैस सेक्टर में ही कामकाज करता है, IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट किया था कि 390 का प्राइस काफ़ी अच्छा है जहाँ पर बाइंग की जा सकती है, फिलहाल ये 403 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओवरऑल दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, MGL और IGL दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट बनकर आता है, पहला सपोर्ट बनकर आता है 380 से करके 395 का, 390 के आसपास का सपोर्ट, तो यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो लोग दूसरे सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 350 एंड बिलो के लेवल्स पर, 350 एंड बिलो के लेवल्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब, जो कि कामकाज करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में। तो आप देख पाएंगे इसमें भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, अच्छा ज़्यादा हमें पुराने चार्ट हिस्ट्री तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका भी काफ़ी अच्छा रहा है, मार्केट लीडर सेगमेंट हमें यह दिखाई देता है, अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कामकाज करता है। अगर आप यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो जो यहाँ पर पहला सपोर्ट है वो बनकर आता है 800 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आप देख पाएंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास बनकर आता है, पिछले 4 दिनों से स्टॉक वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इतनी ज़्यादा भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, उसके बावजूद 800 का लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 780 से करके 800 के आसपास नजर आता है तो वहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहां पर आप देख पाएंगे 750 के आसपास सपोर्ट हमें दिखाई देता है, तो 750 एंड बिलो के लेवल्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर एक्यूमुलेशन करना शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, जो कि कामकाज करता है स्पेशलिटी केमिकल्स में, और आपको पता ही है स्पेशलिटी केमिकल्स कितना ज़्यादा जोरदार दिखाई देता है, यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स और ओवरऑल केमिकल सेक्टर में बूम करता हुआ नजर आ रहा है, इसी के कारण कितने सारे हमें केमिकल सेक्टर के भी IPO आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो यहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मैं कई समय से 1000 रुपीज़ का लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ, 1000 रुपीज़ का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और आप देख पाएंगे 1000 रुपीज़ का लेवल फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है
लास्ट ट्रेड प्राइस। और अगर बात करें यहाँ पर दूसरे सपोर्ट के बारे में तो 950 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक 900 से 950 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर जो दूसरा सपोर्ट है, दूसरे सपोर्ट का वेट करने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, अपने नेचर के हिसाब से किसी भी एक लेवल को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने BFSI सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। स्टॉक्स तो अच्छे अच्छे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, HDFC AMC भी है, वो भी मैं काफ़ी समय से रेकमेंड कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दूसरे जो SBI लाइफ हो गया, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहा है। और भी कई स्टॉक्स हैं जिनके अच्छे लेवल से हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ यहाँ पर 28 सितंबर यानी कि मंडे के दिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। BFSI सेक्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमें जुड़ा हुआ नजर आता है, भले ही बैंकिंग सेक्टर नहीं है, SBI लाइफ बैंकिंग सेक्टर नहीं है और जो HDFC AMC ने वो भी बैंकिंग सेक्टर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हमें पूरे मार्केट पर ज़रूर दिखाई देगा। और यहाँ पर जो स्पेशली BFSI सेक्टर है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, NBFC, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उन पर ज़्यादा प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि BFSI सेक्टर में बाइंग करने से पहले 28 सितंबर का हमें वेट करना चाहिए। क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर मार्केट फिलहाल वॉलेटाइल होती हुई नजर आ रही है और फिलहाल गिरावट के माहौल में हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप धीरे धीरे इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करना शुरू करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर, बहुत ही ज़्यादा जोश में आकर एक साथ पूरे पैसे आपको मार्केट में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो थोड़ा सा हमें बियरिश दिखाई दे रहा है। और यहां पर मैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस भी पोस्ट करूंगा, अपलोड करूंगा, जहां पर आप देख पाएंगे। और कुछ न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि यहां पर जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा यहां पर अलर्ट का माहौल है। ऐसा नहीं है कि बाइंग बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए, जब मार्केट गिरती है तभी ही एक्चुअली बाइंग करना चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में आप बाइंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जोश में आकर पूरे पैसे आपको नहीं डालने चाहिए। लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।